हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि CMD की मदद से आप सिस्टम के कोई भी फोल्डर या फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं आसानी से। कभी कभी क्या होता है, कुछ फोल्डर्स हम डिलीट कर नहीं सकते हैं, ना ही डिलीट होता है। तो उसके लिए आज हम बात करते हैं कि CMD से आप कोई भी फोल्डर को कैसे आप हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रन पे जाइए और CMD टाइप करना है। तो मैं CMD इंटर, वो खुल गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ, जैसे न्यू मूवी बन गई। तो दोस्तों देखिए, मैंने CMD ओपन कर लिया है। ये फोल्डर इस जगह पे रखता हूँ, तो आपको टाइप करना है CD स्पेस बैकस्लैश D फिर स्पेस, और इस न्यू जो फोल्डर दिख रहा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। तो उसका ये जो लोकेशन है ये आपको ले लेना है, ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये जो बार हो गया। इसके बाद इंटर कर देना है। मैंने ओह नो, मैं गलत हो गया, मैं फिर से टाइप करता हूँ CD और सॉरी स्मॉल में लिखना है CD स्पेस बैकस्लैश D स्पेस, फिर इसको पेस्ट कर देना है। एक बार फिर डेस्कटॉप इंटर करना है। फिर सेकेंड में आपका डेस्कटॉप खुल गया। फिर डेस्कटॉप में आपको टाइप करना है DIR स्पेस बैकस्लैश, उसके बाद X, फिर इंटर क्लिक करना है। ये पूरा फाइल खुल गया। तो आपको देखना है कि वो जो आपने फोल्डर बनाया वो फोल्डर कहाँ पे है, नाम देखना है। तो हम ढूंढ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, न्यू मूवी ये मिल गई है। तो आपको इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा RMDIR रिमाइंडर स्पेस बैकस्लैश Q फिर स्पेस बैकस्लैश S फिर बैकस्लैश। और फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, जैसे कैपिटल में तो वो कैपिटल में ही लिखना है। तो मैं कैपिटल्स में टाइप करता हूँ न्यू MOV। फ्रेंड, वहाँ जैसा लिखा हुआ है सेम आपको वैसा ही टाइप करना है, आपको अलग कुछ नहीं करना है, ये तो फाइल डिलीट नहीं होगी। फिर 1 फिर मैं इंटर मार देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप इस कमांड के जरिए आप किसी भी कोने का फाइल को आप आसानी से डिलीट अप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपको अगला वीडियो दूंगा।